बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हेमंत जी ने इसको डायरेक्ट किया और इनके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा। दो जनरेशन की कहानी है और उसमें उन्होंने मेरे दो रूप रखे हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि एक पंजाब के लव स्टोरी का हिस्सा मैं बना और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया है। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि रवि जी आप ये करेंगे और मुझे बहुत, आई एम वेरी हैप्पी कि आज उसका ऑडियो फंक्शन है और आप सभी लोग आए। आप सब लोगों का स्वागत, आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग उनकी मदद कर रहे हैं। हेमंत जी इज़ अ न्यू डायरेक्टर, फर्स्ट टाइमर हैं एंड पूरा उनको सपोर्ट है हमारा और ही फिनिश द फिल्म वेरी हैप्पी। कहानी की आप किरदार की बात करें सर, तो किस प्रकार का किरदार है आपका इसमें? या बहुत अच्छा रहा, फरीदा जी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सीनियर हमारी हैं और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत ही सुंदर कलाकार हैं और बहुत कुछ सीखने मिला हमारे सीनियर से, हमको बहुत कुछ सीखने मिला। कहानी की बात, अपना किरदार की बात करें तो किस प्रकार के किरदार हैं? मैंने जो अभी तक नहीं किया, उन्होंने पास्ट लाइफ में हमको एक पंजाबी किरदार बनाया, बट सेकंड जनरेशन में उन्होंने हमारे को एक बिहारी बिजनेसमैन का रूप दिया, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। ये उनकी सोच थी हेमंत जी की कि वो इस तरह से रोल हमारा एक अलग रोल निकाल पाए, तो रियली एंजॉयड इट, वेरी हैप्पी कि, और उम्मीद करेंगे ये फिल्म और ये भगवान करे इन लोगों को ये बहुत फ़ायदा हो इस फिल्म से और ये इस्टेब्लिश्ड हो जाए। हेमंत जी शशि रंजन जी के भाई हैं। देखिए ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल एक कहावत है, कहानियाँ तो नौ ही है पूरे विश्व में, नौ कहानियाँ ही घूम रही हैं, महाभारत की हो, रामायण की हो, लव स्टोरी हो, पूरे वर्ल्ड में नौ कहानियाँ हैं। उसी को सब लोग कैसे चीर फाड़ करके या उसके अंदर के सोल्स को बदलते हुए जो पेश करें, उसमें अलग परफॉर्मेंसेस भरें, अलग डायलॉग्स लिखें, अलग पिक्चराइज करें, यही ब्यूटी होती है। वैसे पूरे विश्व में नौ कहानियाँ ही सिर्फ घूम रही हैं जहाँ तक हम जानते हैं। एक बिहारी सौ बेहारी, ऐसा एक उनका डायलॉग है तो, और मैंने उन्होंने लिखा और मैंने इसको कहा मस्ती के तौर पर। एक किसी को हम हड़काते हैं तो हड़काने में ऐसे बोलते हैं जैसे जिंदगी झंडबा फिर भी घमंड बाओ, हमको पता ही नहीं था, मैं हड़का रहा था बिग बॉस के घर में और बाहर निकला घर से तो देखा वो पूरा देश बोल रहा, तो ये भी ऐसा एक कुछ ऐसे हमारी मस्ती तो रहती है हर फिल्म में कुछ ना कुछ। नॉर्मली तो हम कहीं परफॉर्म करते नहीं, कुछ ना कुछ अपना छौंक ज़रूर डालते हैं। बहुत पसंद आएगी, मैं चाहूंगा। अरे हेमंत जी कम, मैं चाहूंगा ये हेमंत जी हैं और हेमंत जी ऑल द बेस्ट, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी। हेमंत जी इंडस्ट्री में ही बड़े हुए, इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन और हमारी कोशिश रही है, हमारे बड़े पुराने मित्र शशि भैया हैं, ये उनके छोटे भाई हैं लेकिन ये अपने एक्सपीरियंस पर यहाँ हैं और इन्होंने बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक उठाया और उस उनकी हिम्मत है कि उन्होंने नए चेहरों के साथ अच्छा काम निकलवाया, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, आपको भी। एंड इज़ अ वेरी वेरी जेंटलमैन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आप लोग इनकी ज़रूर मदद करिएगा बिकॉज द फर्स्ट टाइम ऑफ जी। रवि जी का साथ कैसा रहा? बहुत, देखिए बहुत मज़ा आया। रवि जी की इस फिल्म के अंदर स्पेशल अपीयरेंस है और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जब आप फिल्म में, आप इनको पर्दे पर जब आप देखेंगे तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, सीटी और तालियां मारने वाले हैं सब ऑडियंस, क्योंकि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत किरदार बनाया। जितने ये खूबसूरत इंसान हैं उतना ही बेहतरीन इन्होंने काम किया फिल्म के अंदर जो स्क्रीन पे नजर आए। अच्छा, आपने उसको स्पेशल अपीयरेंस कर दिया, आपने कहा था कि पूरा रोल है। नहीं सर, आपने मुझे मेरे सम्मान में उसको स्पेशल अपीयरेंस कर दिया। अदरवाइज आई हैव डन, आई हैव शॉट विद यू फॉर लॉन्ग टाइम, यस यस यस, 8-10 डेज। आप जब देखेंगे सर, आप स्क्रीन प्रेजेंस आप देखेंगे तो इट्स अ वेरी बिग रोल, बट बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट इसलिए मैंने उसको स्पेशल अपीयरेंस। अरे वाह वाह, और डबिंग भी हमने काफी देर तक की थी इसकी। ओके, और आपने पंजाबी एक जगह, हमको पास्ट जो दो जनरेशन था, एक में हमने पंजाबी एक में बिहारी बिजनेसमैन रखा, करेक्ट, बहुत मजा आएगा। देखिए जो एक फिल्म मेकर को चैलेंजेस होती है वो मुझे भी आए, मैं अगर ये बोलूँ कि नहीं कुछ चैलेंजेस, बहुत चैलेंजेस थे लेकिन या ही इज गॉन थ्रू लॉट, ये बहुत इनको बहुत तकलीफ हुई, न्यू कमर के साथ एक बहुत लंबी फाइट होती है, बट
सब पार करके आज इस दिन को मनाने के लिए सेलिब्रेट करने के लिए विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू